टीवी का टीवी के वीडियो को देखते वक्त जो लाल कलर का बटन आपको नजर आ रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबाएं और उसके बाद आप एक घंटी के बटन को देखेंगे उसे भी दबाएं। इसके जरिए आपको हमारे सारे वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे। टीवी का टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये दूसरा भाग है त्रिनेत्र गणेश यात्रा का, दर्शन यात्रा का। आइए अब हम पहुंच चुके हैं त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक। रास्ते में हमने बाघ के भी दर्शन किए, लेकिन ये बाघ मंदिर के उस रास्ते पर कभी कभी ही नजर आते हैं, इसलिए डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये गणेश जी के गण माने जाते हैं, इसलिए किसी को भी नुकसान भी नहीं पहुंचाते। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं सपरिवार त्रिनेत्र गणेश जी के। पूरी दुनिया भर में ये एकमात्र प्राचीन मंदिर है जहाँ श्री गणपति जी अपने समस्त परिवार, जिसमें उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, दोनों पुत्र शुभ और लाभ एक साथ विराजमान हैं। और यही कारण है कि हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार यदि गणेश जी को शुभ कार्य में परिवार के साथ बुलवाने के लिए निमंत्रण देना हो तो उसे रणथंभौर तक ही पहुंचाना आवश्यक होता है। जो लोग निमंत्रण पत्र लेकर स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते, वो पत्राचार यानी डाक पोस्ट के जरिए अपने निमंत्रण पत्र भिजवाते हैं। सालों से आज भी अवकाश के दिनों के अलावा पोस्टमैन दुनिया भर से आए निमंत्रण पत्रों को सादर मंदिर तक पहुंचाता है। वहां महंत एक एक कर निमंत्रण पत्र को पढ़ते हैं और श्री गणेश जी के पूरे परिवार को सुनाते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से कि त्रिनेत्र गणेश का क्या महत्व है, उनकी जुबानी सुनते हैं। जय गणेश। मेरा नाम दुर्गा शंकर शर्मा है, पुजारी। और आप कब से सेवा कर रहे हैं त्रिनेत्र गणेश? 35-36 साल हो गए। यानी जो भगवान हमारे गणेश जी हैं रणथंभौर में, ये स्वयं प्रकट मूर्ति है। पीछे पहाड़ पहाड़ में से निकले हुए हैं। रिद्धि और सिद्धि दो वाइफ हैं, दो लड़के हैं, शुभलाभ तीन नेत्र हैं भगवान के। नीचे मूसक वाहन है, भगवान का मंदिर है, ये हजारों वर्ष पुराने हैं भगवान। यहाँ पर दूर दूर से निमंत्रण और जो किसी का कोई संतान नहीं होती है तो वो भी आते हैं, जिनके नौकरी है, प्रमोशन है, यानी तमाम दुनिया भर के जितने भी कार्य हैं सब भगवान गणेश जी महाराज करते हैं। शादी ब्याह के लिए तो स्पेशली सभी जगह से लेटर्स, कितने लेटर्स एक साथ आ जाते होंगे? यहाँ 15-20 किलो रोज के हो जाते हैं, अभी तो 50 किलो तक हो जाते हैं, 50-60 किलो तक हो जाते हैं, पर ये शादी ब्याह के समय होते हैं, बाद में कम रहते हैं। वर्ल्ड में अगर परिवार है तो सिर्फ यहीं पर मौजूद है गणेश जी का? हाँ, पूरा परिवार यहीं मौजूद है। और जो भक्त अपनी मन्नत लेकर के आते हैं उनकी पूर्ण होती देखी है हमने, तो जो अपने मन में विचार कर लेता है भगवान उनकी पूर्ति करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गणेश जी महाराज की। और जब निमंत्रण पत्र प्राप्त हो जाता है तो भगवान गणेश सपरिवार उस शादी ब्याह या कोई भी मांगलिक कार्य जो भी हो रहे हो वहाँ पर अवश्य पहुँचते हैं और सब कार्य बिल्कुल मंगल तरीके से हो जाते हैं। तीसरे नेत्र की मान्यता आपको बताते हैं। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी दुनिया के एकमात्र गणेश हैं जो कि तीसरा नयन धारण करते हैं। गजवंदनम चितयम में विनायक के तीसरे नेत्र का वर्णन किया गया है। लोक मान्यता है कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र उत्तराधिकारी स्वरूप सोम पुत्र गणेश जी को सौंप दिया था और इस तरह महादेव की सारी शक्तियां गजानन में समाहित हो गई थीं। महागणपति षोडश स्त्रोतमाला में विनायक के 16 विग्रह स्वरूपों का वर्णन है। महागणपति अत्यंत विशिष्ट और भव्य हैं, जो त्रिनेत्र धारण करते हैं। इस प्रकार ये माना जाता है
कि रणथंभौर के रणथंवर महागणपति का ही स्वरूप है। भगवान त्रिनेत्र गणेश का श्रृंगार भी विशिष्ट प्रकार से किया जाता है। भगवान गणेश का श्रृंगार सामान्य दिनों में चांदी के वरक से किया जाता है, लेकिन गणेश चतुर्थी पर भगवान का श्रृंगार स्वर्ण के वरक से किया जाता है। ये वरक मुंबई से मंगवाया जाता है। कई घंटों तक विधि विधान से भगवान का अभिषेक किया जाता है। वहीं भगवान त्रिनेत्र गणेश जी की पोशाक जयपुर से तैयार होकर आती है। भगवान गणेश के मंदिर में पुजारी द्वारा विधिवत पूजा की जाती है। इसमें पुराणोक्त और वेदोक्त दोनों ही प्रकार के मंत्रों को शामिल किया जाता है। भगवान त्रिनेत्र गणेश की प्रतिदिन 5 आरतियां की जाती है और यहाँ पर भक्त लोग दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में हर दिन पहुँचते हैं। ज्यादातर बुधवार और अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रत्येक चतुर्थी को मेले जैसा भक्तों का रेला देखा जा सकता है। रणथंभौर नेशनल पार्क के मध्य में स्थित होने के कारण वन विभाग द्वारा केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही यहाँ पर जाने की अनुमति दी जाती है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दूर रणथंभौर किले तक पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन पर टैक्सियां भी मिल जाती हैं। लोग भीड़ वाले दिनों को छोड़कर अपने वाहनों जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, इनके जरिए भी या फिर पैदल चलकर भी जा सकते हैं। बोलिए त्रिनेत्र गणेश परिवार की जय। टीवी का टीवी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हम कहीं और चलेंगे और जानकारी वहां की आप तक पहुंचाएंगे। आप हमें बता सकते हैं कि आपको टीवी का टीवी कैसा लग रहा है। कोई सुझाव हो वो भी आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tvkatv@gmail.com और फोन नंबर है 8769000600 और हमारी वेबसाइट है www.tarunvyas.com। तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है। तो अब आज्ञा दीजिए आपके दोस्त तरुण व्यास को। जय गणेश, नमस्कार।